दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन के इंटरनेट डाटा से काफ़ी परेशान हैं? आप अपने फ़ोन के इंटरनेट डाटा को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और जहां पर लिखा रहता है कि आपने 50% डाटा यूज़ कर लिया है, और आप सोचते ही रहते हैं कि आपने डाटा को कहां यूज़ किया है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने 50% डाटा को यूज़ कर लिया हुआ है, और आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा ये पर्सनली बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, यानी कि आपको अपने फ़ोन के अंदर कुछ सेटिंग कर लेना है जिससे आप अपने फ़ोन के इंटरनेट को लंबे समय तक चला सकते हैं। अब जैसे कि आप YouTube देखते रहोगे, YouTube पे आपके घर में अगर छोटे बच्चे तो शॉर्ट्स वीडियो देखते रहेंगे, या आप खुद शॉर्ट्स वीडियो देखते रहोगे, या फिर आप मूवी या फिर कोई भी फन वीडियोज़ देखते रहोगे तो वहाँ पर भी इंटरनेट यूज़ होता है, या फिर आप फेसबुक यूज़ करते हो, फेसबुक पर शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखते हो, वहाँ पर आपका इंटरनेट यूज़ होता है। ऐसे ही बहुत तरीके हैं आपके इंटरनेट ख़त्म होने के। तो वहां पर हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, फिर भी हमारा इंटरनेट खत्म होता है, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ सेटिंग करना ही होगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे सेटिंग है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जो आपके फोन के इंटरनेट को ज्यादा यूज करते हैं। अब जो हमने पहले नंबर पर रखा है वो है प्ले स्टोर। अब आप सोच रहे होंगे प्ले स्टोर से इंटरनेट कैसे यूज हो सकता है। अब आप देखो आपके फोन के अंदर कितने एप्लीकेशन डाउनलोड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इतने, यहाँ पर कुछ और कुछ इस साइड भी इतने सारे एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर रखा हुआ है। तो इसका क्या होता है कि मंथली या वीकली अपडेट आते रहता है, ये बात तो आप सभी लोगों को पता होगा अगर आप एक एंड्रॉयड फोन यूज करते हो, तो चाहे आईफोन यूज करो सभी एप्लीकेशन का अपडेट आता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अपडेट आता है और आपके फोन के अंदर इंटरनेट ऑन है तो बैकग्राउंड के अंदर ही आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है, और वो चाहे 27 MB का हो, चाहे 100 MB का हो, चाहे 150 MB का हो, आपसे कोई भी परमिशन नहीं लिया जाता है और अपडेट हो जाता है जहां पर आपका इंटरनेट यूज हो जाता है। तो यहां पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां पर मिलता है आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पर आपको मिलता है ऑटो अपडेट का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे रहेगा तो आपको डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये सेटिंग करने के बात क्या होगा कि आपके फोन के अंदर कितना भी एप्लीकेशन हो, 50 एप्लीकेशन हो, 100 एप्लीकेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप एप्लीकेशन को खुद पर्सनली जाकर के प्ले स्टोर से अपडेट नहीं करेंगे तब तक एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा, इससे आपका बहुत ज्यादा इंटरनेट बचता है। तो यहां पर आपको पहले नंबर का सेटिंग कर लेना है। अब आपको सेकंड नंबर का सेटिंग बता देता हूं। अब जो सेकंड नंबर का सेटिंग है, हमें सर्च करने पे पता चला है कि हमारा यूट्यूब से भी ज्यादा इंटरनेट यूज होता है। यहां पर आपको यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना होगा। जैसे आप यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहां पर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं या फिर शॉर्ट्स वीडियो देखते रहेंगे, इंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए आप वीडियोस देखते रहेंगे या फिर मूवी वगैरह देखते रहेंगे, कुछ भी देखो। तो यहां पर आपका इंटरनेट कैसे यूज होता है मैं बताता हूं। जैसे कि यहां पर मान लो अब आप यहां पर कोई भी वीडियोस देख रहे हो, यहां पर ये वीडियोस हो गया, अब इसकी क्वालिटी क्या है यहां पर आपको फर्क नहीं पड़ता, यहां पर जैसे तो क्या क्वालिटी है कुछ आपको यहां पर मालूम नहीं पड़ता होगा। तो जैसे ओपन करके देखोगे तो आप लो क्वालिटी में अगर वीडियोस देखोगे तो भी यहां पे आपका वीडियो, यहां पर आपका इंटरनेट यूज होता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां पर आपको मिलता है सामने ही डाटा सेविंग का ऑप्शन, डाटा सेविंग के ऑप्शन पे क्लिक करके डाटा सेविंग मोड को ऑन कर देना है। जैसे ही आप डाटा सेविंग मोड को ऑन करोगे देख सकते हो यहां से 4 से 5 सेटिंग ऑटोमेटिक ही आपके फोन के अंदर ऑन हो जाते हैं जो आपके इंटरनेट बचाने के लिए ऑन होते हैं। तो यहां से आप इंटरनेट बचा सकते हैं एक ही सेटिंग करने के बाद। एक सेटिंग करोगे ना उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप कोई वीडियो प्ले करोगे, वीडियो रिड्यूस होकर प्ले होगा या फिर वीडियो क्वालिटी रिड्यूस होकर प्ले होगा, वीडियो डाउनलोड होगा तो वीडियो की क्वालिटी रिड्यूस होकर डाउनलोड होगी, यानी कि काफी सेटिंग है जो एक ही सेटिंग ऑन करने के बाद ऑन हो जाता है और यहां से आपका इंटरनेट बचना चालू हो जाता है। तो यूट्यूब के अंदर ये दूसरे नंबर का सेटिंग कर लेना है। अब यहां पर आपको थर्ड नंबर का सेटिंग के बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों फाइनली जो हमारा सेटिंग है वो थर्ड नंबर का ही है। यहां पर आप ब्राउजिंग करने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सेफ भी होता है और यहां से हम सेफली ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, इसलिए हम गूगल का क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं। तो यहां पर आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हो थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग के
ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको इंटरनेट कैसे बचाना है, यहाँ पर पहले नंबर पे आपको एक सेटिंग करना होगा जिसका नाम होता है सिंक करके। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सभी के फ़ोन के अंदर ऑन होता है, और इसका काम क्या होता है, ये कंटिन्यू रनिंग करते रहता है, आपके फ़ोन के अंदर सिंक करते रहता है। अब जैसे ही आप इसे यहाँ से ऑफ कर दोगे, कुछ बॉक्स के अंदर टिकआउट होते हैं, उन्हें भी आपको अनटिक कर देना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, फटाफट अनटिक कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई भी स्कैन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिंक की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये फालतू का स्कैन कंटिन्यू यहाँ पर सिंक होते रहते हैं, जो आपके फ़ोन के बैटरी प्लस इंटरनेट दोनों को यूज़ करते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको एक और सेटिंग कर लेना है इसी के अंदर, जो होता है नोटिफिकेशन। आपने भी सुना होगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन क्या होता है, हमारे कोई काम का नहीं होता है, बल्कि कोई फालतू के नोटिफिकेशन भी क्रोम भेजता रहता है, तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन ही ऑफ कर देना है। अगर आप नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दोगे तो यहाँ से भी आपका इंटरनेट बचेगा। अब इंटरनेट कैसे बचेगा, अगर आपका इंटरनेट ऑन ही नहीं रहेगा तो कोई नोटिफिकेशन जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आप कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के अंदर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से आपको इसको ऑफ कर देना है, इससे आपका इंटरनेट भी बचता है। तो यहाँ पर आपको ये तीन एप्लीकेशन के सेटिंग कर लेने हैं, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करिए आप फ़ोन को, फिर उसके मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपको भी पता चल जाएगा कि पहले के मुकाबले अब और भी टाइम तक आपका इंटरनेट चलने वाला है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।